डेथ ओवर्स में बॉलिंग करना एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल हो गया है, खासकर लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में, जहां से आप अगर अच्छी बॉलिंग नहीं करते हो लास्ट ओवर्स में तो अच्छा खासा जीता जीता है मैच भी आप हार जाते हो, और अगर आपने अच्छी बॉलिंग की तो आप फंसा हुआ मैच निकाल के ले जा सकते हो। तो जितने भी फास्ट बॉलर्स हैं उनके लिए मैं डेथ ओवर्स की खास टिप्स आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जिससे आपको पता लगेगा कैसे आप बैट्समैन को कंटेन कर सकते हो, किन एरियाज में उनको बॉलिंग कर सकते हो और आपको कम रन पड़े और आपको विकेट्स ज्यादा मिले। तो जो फर्स्ट टिप है वो है कि आपकी मेंटालिटी, हमेशा बैट्समैन को कंटेन करने वाली होनी चाहिए। बैट्समैन लास्ट के ओवर्स में ज्यादातर देखता है कि उसको कौन सी बॉल ओवर पिच एरियाज में मिल रही है। अगर आप उसको उस एरिया में बॉलिंग करोगे तो आपको रन पड़ने ही पड़ने हैं, क्योंकि दैट इज वन ऑफ द मोस्ट ईजिएस्ट एरिया टू हिट। मतलब अगर आप उसको ओवर पिच करोगे, जैसा आप पिक्चर में देख रहे हो, अगर आप उसको ओवर पिच बॉलिंग करोगे तो वो मारना ही मारना है आपको लास्ट ओवर में। तो लास्ट आपकी जो मेंटालिटी है वो डोमिनेट करने की होनी चाहिए, उसको कंटेन करने की होनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा बॉलें आपको ब्लॉक होल में डालनी है, उसके शूज के पास डालनी है, जिससे कि उसके रेंज में ना आए। जैसे आप कुछ साल पहले यूसुफ पठान, धोनी, इनको अगर आप ओवर पिच बॉलिंग करोगे तो चाहे आप जितनी पेस बॉलिंग करते हो वो आपको स्टेडियम से बाहर मारना ही मारना है उनको। तो उनको आप ऐसे बैट्समैनों को उनके एरियाज में बॉलिंग ना करो, ओवर पिच बॉलिंग ना करो, उनको ब्लॉक होल में करो, शूज पे बॉलिंग करो, चाहे आप राउंड द विकेट आके करो या फिर ओवर द विकेट आके थोड़ा सा एंगल बना के फेंको, अंदर बॉल करो, लेकिन उनको तेज, एक तो पेस आपका बॉल में होना चाहिए और दूसरी चीज उनको ब्लॉक होल में करना है, शूज के पास बॉलिंग करना है। ये नहीं करना है कि आप यॉर्कर मारने की कोशिश कर रहे हो और फुल टॉस जा रही है, तब तो फिर आपको छक्का ही पड़ना है स्टेडियम के बाहर। तो इस चीज का खास ख्याल रखना है कि यॉर्कर मारनी है तो यॉर्कर ही जानी चाहिए और उसके लिए आपको खास प्रैक्टिस नेट्स पे करनी चाहिए। और जो दूसरी बात आपको खास ख्याल रखना है वो देखना है कि बैट्समैन कर क्या रहा है। जब आप रनअप पे आते हो तो बैट्समैन शफल होने की कोशिश करता है, मतलब रूम बनाने की कोशिश करता है, तो आपको उसके हिसाब से अपनी लाइन को एडजस्ट करना है। मतलब आपको बैट्समैन को पूरा तरीके से देखते रहना है कि वो करने की क्या कोशिश कर रहा है। कुछ लोग शफल करते हैं और हट के रूम बनाने की मारने की कोशिश करते हैं, या तो कवर्स में या फिर लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन में। तो आपको इस बात को जज करना और उसके हिसाब से करना है। तो इस मौके पे आप क्या कर सकते हो, या तो आप थोड़ा सा ग्रिप बना के ऑफ स्पिन या लेग स्पिन स्लोवर वन मार सकते हो, या फिर अगर वो रूम बनाने की कोशिश कर रहा है तो उसको और अंदर बॉलिंग कर सकते हो ताकि रूम ना बने, या फिर अगर रूम बनाने की कोशिश कर रहा है तो ऑफ साइड के बाहर एकदम यॉर्कर लेंथ की बॉल करा के बीट करा सकते हो। तो ये सारी चीजें आप जब वो रूम बनाने की कोशिश कर रहा है बैट्समैन, तब आप इस चीज को ट्राई कर सकते हो। प्लस ये कोशिश आपको बिल्कुल भी नॉर्मल डिलीवरी, गुड लेंथ की डिलीवरी डेथ ओवर्स में नहीं करनी है, क्योंकि ज्यादातर प्लेयर्स उन्हीं एरियाज में बॉल को देखते हैं और आपको 6 की 6 डिलीवरी बिल्कुल ध्यान के साथ करनी है, अलर्ट होके करनी है। एक भी बॉल या दो बॉल आपने सिर्फ रनअप से आके दौड़ के फेंक दी तो आपको छक्का पड़ना ही पड़ना है, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट में, इंटरनेशनल क्रिकेट में प्लेयर्स इतने तैयार हो जाते हैं कि अगर आपने उनको रेंज में बॉल दी तो वो सीधे छक्का मारते हैं। तो इस बात का आपको खास ख्याल रखना है, बैट्समैन को देखना है कि वो सफल तो नहीं हो रहा है, या फिर अगर वो आगे आके खेलने की कोशिश कर रहा है तो उसके हिसाब से आपको लाइन को एडजस्ट करना है और आपको कुछ ना कुछ चेंज करना है। या तो आप स्लोवर वन मार सकते हो, या आप यॉर्कर डिलीवरी मार सकते हो, ऑफ स्टंप के बाहर यॉर्कर मार सकते हो बीट कराने के लिए, लेकिन फुल टॉस, गुड लेंथ ये बॉल नहीं करनी है, नहीं तो छक्का पड़ेगा, मैच आपके हाथ से निकलेगा, बाद में कैप्टन आपके ऊपर चिल्लाएगा। अब इन चीजों की आप प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो, देखो जितना ज्यादा आप मैचेस खेलोगे उतनी आपकी मैच प्रैक्टिस अच्छी होगी, आपको टफ मैचेस में बॉलिंग करने की आदत हो जाएगी और आप फंसे हुए मैचेस को निकालने लगोगे। तो सबसे अच्छी प्रैक्टिस है मैच प्रैक्टिस। उसके अलावा आप नेट्स पे जाके टारगेट फोकस टारगेट करके या बैट्समैन को बैटिंग करा के यॉर्कर ब्लॉक होल इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो जितने ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने आप बेटर होते जाओगे, लेकिन नेट्स पे हम उतने सीरियस नहीं होते जितना मैच में होते, इसलिए मैच प्रैक्टिस इज द बेस्ट प्रैक्टिस, तो वो कर सकते हो आप जाके। उसके अलावा आप स्लोवर वन मारने की कोशिश कर सकते हो, आप बाउंसर स्लोवर मारने की कोशिश कर सकते हो, आप राउंड द विकेट आके शूज में बॉलिंग करने की प्रैक्टिस कर सकते हो, और
इन डेथ ओवर्स के लिए खास कैसी फील्डिंग जमानी चाहिए उस चीज की प्रैक्टिस कर सकते हो, कोच के साथ बात कर सकते हो, अपने कैप्टन के साथ बात कर सकते हो कि मैं इस तरीके की बॉलिंग करने वाला हूं डेथ ओवर्स में, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। इसके अलावा जो कुछ मेन बॉलर्स हैं जो बहुत पॉपुलर हुए डेथ ओवर्स में बॉलिंग के लिए, वो है भुवनेश्वर कुमार, हमारे यहाँ बुमराह, उसके अलावा हार्दिक पांड्या। ये लोग क्या करते हैं, विकेट को हिट करते हैं, एक तो रिस्ट का यूज ज्यादा करते हैं, उनका एल्बो और रिस्ट ये पार्ट बहुत मजबूत है जिससे बॉल में कंट्रोल रहता है, तो आप बैट्समैन के हिसाब से अगर वो हट रहा है तो उसको और अंदर बॉलिंग कर सकते हो, उसको स्लोअर वन मार सकते हो, उसको राउंड द विकेट आके बाहर बॉल एंगल करके निकाल सकते हो, या फिर ओवर द विकेट आके एंगल करके आप अंदर उसको बॉल कर सकते हो। लेकिन ओवर पिच बॉलिंग नहीं करना है, अगर करनी है तो यॉर्कर लेंथ पे बॉलिंग करना है। आईपीएल की वजह से इनकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो गई है, तो हार्दिक पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, बुमराह, ये सारे आपके अच्छा उनका रिस्ट और उनका एल्बो अच्छा स्ट्रांग है जिसकी वजह से वो बॉल पे उनका कंट्रोल रहता है। लेकिन अगर आप ऐसे बॉलर हैं जो शोल्डर से बॉलिंग करते हैं, जैसे आपने देखा होगा उमेश यादव, शोएब अख्तर, तो उनके लिए डेथ ओवर्स में बॉलिंग करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि बॉल पे उतना उनका कंट्रोल नहीं होता जितना रिस्ट और एल्बो से जो लोग ज़्यादा बॉलिंग फेंकते हैं जैसे मोहम्मद आमिर, उनका कंट्रोल होता है। तो इस बात को आपको खास ख्याल रखना है डेथ ओवर्स में बॉलिंग करने का, और अपनी मेंटालिटी को हमेशा ऐसे बना के रखो कि आपको बैट्समैन को डोमिनेट करना है। अगर आप ऐसी मेंटालिटी के साथ बॉलिंग करोगे, अगर बैट्समैन सफल हो रहा और आप डर जाते हो, बॉलिंग करते वक्त बैट्समैन की नज़र पे रखो कि वो कर क्या रहा है और उसको डोमिनेट करना है, उसका विकेट निकालना है, उसके हिसाब से फील्डिंग जमानी है और उसको बीट करानी है बॉल, ये आपका फोकस होना चाहिए। तब आप डेथ ओवर्स में बहुत एक अच्छे बॉलर बन जाओगे और बहुत अच्छी आपकी लाइन लेंथ रहेगी और आप एक सक्सेसफुल डेथ ओवर बॉलर बन के निकलोगे और आपकी टीम में वाहवाही होगी और आप एक हमेशा एक सेलेक्टेड प्लेयर बनोगे।